भारतीय राजनीति में तीन प्रकार के लोग हैं। हो सकता है वो किसी राजनीतिक दल से सीधे संबद्ध ना हो, लेकिन उनके अपने नैरेटिव हैं जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से मेल खाते हैं। इसमें कहीं कोई हर्ज भी नहीं है, हर व्यक्ति को अधिकार है। नागरिक होते ही उसको अधिकार मिलता है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से विचारधारा से जुड़ सकता है। लेकिन समस्या तब आती है जब वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं और अच्छी डिग्रीज भी उनके पास है, लेकिन उनकी सोच में बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह है, बायसेस में उनके पैराडाइम्स शिफ्ट होते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। वह चीज़ों को तोड़ते और मरोड़ते रहते हैं अपने हिसाब से। पहली किस्म के लोग वो हैं जिन्हें हिंदू धर्म की हर बात बुरी लगती है और वो उसे हर तरीके से काटना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें केवल अपने धर्म से मतलब है और वो हिंदू को कभी भी फासिस्ट कहने में नहीं चूकेंगे। चाहे हिंदू शांति प्रिय ढंग से ही प्रोटेस्ट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो तुरंत फासिस्ट करेंगे और अपने धर्म की कोई भी गलत चीज़ होगी तो उसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि वो हिंदू धर्म की वजह से हुआ है या किसी उस व्यक्ति की वजह से हुआ है। और तीसरे इसमें वो लोग हैं जो पूर्वग्रहों से रहित हैं, वो जुडिशियसली सही बात करते हैं और उन्हें देश में शांति सुरक्षा विकास से मतलब रहता है। एक आइडियोलॉजी अभी पनपी जो सर तन से जुदा वाली आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी और इसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स थे, लेकिन वही लोग जो सर तन से जुदा वाले सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे या एकदम चुप हो गए थे, चुप होना भी एक तरीके से सपोर्ट करना ही है, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे या एकदम चुप हो गए थे, वो सारे मेंढक, ये जो पोस्टर अभी आया है ना काली का, इस पोस्टर की जो बरसात हुई है उसमें वो फिर से टर्राना शुरू कर चुके हैं। उसमें से एक बुद्धिजीवी जो वास्तव में बुद्धिजी है, और एक समय था जब मैं उनके लिखे हुए चीज़ों को बड़ा चाव से पढ़ता था, तो एक बुद्धिजीवी भी है, वो कहते हैं कि तुम अपने काली को घास फूस खिलाओ, मैं अपने काली को ये खिलाऊंगा, जबकि सब जानते हैं कि उनका माँ काली से मतलब नहीं है, लेकिन उनको एक मौका मिला हिंदुज़्म पर अटैक करने का, उन्होंने कर दिया, उनका फर्ज पूरा हुआ। उनको क्या सदिस प्लेजर मिल रहा है ये पता नहीं, या उनकी रूट्स कहां पर है ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये अटैक करके स्वयं को संतुष्ट किया। उनकी सोच में ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो हिंदू बेटी के साथ दुराचार होगा तो नहीं बोलेंगे, मुस्लिम बेटी के साथ दुराचार होगा तो सब कुछ खतरे में आ जाएगा उनका। और फिर वो बात करते हैं दोस्ती की, भाईचारे की, समानता की, कैसे होगा? ऐसे लोगों की सोच में भारतीयता है ही नहीं, भारतीय समाज है ही नहीं, समानता और शांति की विचारधारा है ही नहीं, बल्कि देश विरोध की विचारधारा है। आपको अगर किसी पार्टी को या कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करना है तो फैक्ट्स के साथ उन्हें क्रिटिसाइज कीजिए। धर्म विशेष के ऊपर आप उंगली यहां क्यों उठाते हैं? अगर उठाते हैं तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देने का अधिकार यदि एक्स को है तो वाई को भी है, तो जेड को भी है, और ये गलत है। मैं फिर इसको कहूंगा कि सब लोगों को बहुत शांति से रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी में विकास निहित है। ऐसे लोगों को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मां काली के अपमान करने का, और जो लोग मां काली का अपमान कर रहे हैं उनकी रक्षा भी वो लोग कर रहे हैं। राइट टू एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ एक और नैरेटिव जो होता है वो ये कि आर्टिस्टिक फ्रीडम, उसकी वो बात करने लगे हैं। उसमें एक माइंडलेस मैडम भी आई है जो माननीय सांसद भी हैं, वह भी माँ काली पर ज्ञान दे रही हैं। ये सारे लोग, ये सारे ठेकेदार माँ काली में दोषों पर शोध करने में लग गए हैं, लगातार उनके दोष ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मद्य पीती थी, यानी शराब पीती थी। लेकिन वो लोग LGBT के फ्लैग की बात नहीं कर रहे हैं, वो माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे जस्टिफाई करके कह रहे हैं माँ काली नशा करती थी। कहाँ से
ऐसे कुबुद्धि जीव लोग आ जाते हैं और सेक्युलरिज्म के बक्से से कहाँ से ये खुल के ये लोग समाज में बिखर के समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लिबरलिज्म का फटा हुआ जामा पहनकर ये लोगों को भटकाते हैं, देश में अशांति फैलाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? नागरिकों को तो सौहार्द की बात करनी ही चाहिए ना, चाहे वो धर्म के बीच में हो या जातियों के बीच में हो, उन्हें सौहार्द की बात जरूर करना चाहिए। आप एक तरफ तो गर्दन काटने वाले लोगों को पीड़ित बताओगे या बच्चा बताओगे, दुखी बताओगे, अपनी आस्था के लिए बोलने वाला बताओगे, वहीं यदि हिंदू आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या कोई मजाक उड़ाता है तो आप सारे हिंदू धर्म को फसस्ट बनाओगे, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। तो सारे रिएक्शन करने वाले लोग या तो गलत हैं या हिंदू भी ठीक है। एक NRI है, लीना जी, नीला जी, मनी में काली, विदेश में बैठकर वो हिंदुत्व को चुनौती दे रही है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर उन्हें अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम दिखानी है तो दुनिया के अंदर और भी धर्म है, और भी पंथ है। यदि आप में हिम्मत है तो उनकी कहानियां निकालिए और अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम निकाल कर दिखा दीजिए। आप नहीं करेंगे, आप कर नहीं सकते, आप में वो दम भी नहीं है और आप षड्यंत्र कर रही हैं। दूर बैठ के आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर आप षड्यंत्र कर रही हैं। एक और मैडम है जो हमेशा, वैसे तो बॉलीवुड की एक फ्लॉप हीरोइन है, लेकिन वो हमेशा हिंदू धर्म पर और भारतीय संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ करती है। वो भी यही कहती है कि अगर आप फ्रीडम नहीं देंगे अपने धर्म पर बात करने को तो क्या आपके धर्म की इज्जत कम नहीं हो जाएगी? तो वो ये ज्ञान अपने बाकी मित्र धर्मों को क्यों नहीं देती हैं जिनके लिए वो हमेशा वकालत करती हैं? उनको फिर नुपुर शर्मा को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी अगर इसी तरीके से अपनी फ्रीडम मांगता रहेगा तो एनार्की आ जाएगी। और आप यही चाहते हैं कि देश के अंदर एनार्की आ जाए, देश बॉर्डर पे भी कमजोर पड़े, देश अंदर भी कमजोर पड़े, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन और वो NRI मैडम को तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में पैसा और लोकप्रियता दोनों मिल रही है, और सबसे बड़ी बात वो हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा रही, इसलिए जिंदा रहेंगी। यहां कोई सरतन से जुदा वाली बात नहीं करेगा। दो चार किसी एक ने कुछ लिख भी दिया होगा तो ऐसा शोर मचाएंगे आप, ऐसा नैरेटिव गढ़ेंगे, मान लीजिए कि समुदाय का समुदाय जो है उनको जान से मारने की धमकियां दे रहा हो। हमें तो नहीं दिखता। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं ना मांस और मद्य, वो दरअसल कूड़ा भी नहीं जानते भारतीय धर्म और संस्कृति का, भारतीय तंत्र विद्या का। पंच मकार का अर्थ भी उनको नहीं मालूम। मैं अभी एक टीवी डिबेट में बैठा था, कोई तनेजा मैडम वहाँ पर, वो भी कलाकार ही है बॉलीवुड में, पता नहीं ये क्या ट्रेंड बॉलीवुड में चल रहा है, वो भी वहाँ बैठकर बड़ा ज्ञान दे रही थी। लेकिन पंच मकार के शब्द, मैंने उनसे बहुत प्यार से निवेदन किया, मुझसे बहुत छोटी है, बच्ची जैसी है मैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो जितना पॉपुलर व्यक्ति होता है उस पर उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। पंच मकार जो काली माँ के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइए आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पंच मकार क्या है? मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये गलत अर्थ आप लेते हैं। ये दरअसल योग के अलग अलग सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, जिनके बारे में गोरक्षनाथ जी, जिन्हें हम गोरखनाथ जी कहते हैं, योगी गोरक्षनाथ जी ने उसके बारे में लिखा है। मत्स्य का मतलब होता है इड़ा और पिंगला का स्वर प्रवाह। मांस भक्षण का अर्थ है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। मदिरा का अर्थ है खेचड़ी मुद्रा से आपके यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अमृत पान करना है, उसको मद्य बोलते हैं। और शरीर की विभिन्न स्थितियों को मैथुन बोलते हैं। जब मूलाधार शक्ति सहस्त्रार चक्र से मिल जाती है उस स्थिति को मैथुन बोलते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है कि लोग माँ काली के मांस भक्षण की बात कर रहे हैं, माँ काली की बलि की बात कर रहे हैं, वो मदिरा पीती थी ऐसी बात कर रहे हैं,
वो माइंडलेस मैडम भी यही सब बात कर रही हैं, लेकिन एलजीबीटी की कोई बात नहीं कर रहा, जिसका फ्लैग आपने माँ काली के हाथ में पकड़ा रखा है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कितनी घृणास्पद बात है ये। एलजीबीटी मतलब वो जो फ्लैग है वो एलजीबीटी, एल का मतलब है समलैंगिकता, समलैंगिक स्त्री, जी का मतलब है गे यानी समलैंगिक पुरुष, बी का मतलब है बाइसेक्सुअलिटी और टी का मतलब है यूनिक ट्रांसजेंडर। अब इसका माँ काली से क्या मतलब है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप इस पर? ये फ्लैग माँ काली के हाथ में पकड़ाने से क्या मतलब है, ये किस संस्कृति को दिखा रहा है? माँ काली ने इसके बारे में कहां कोई बात की है जो आप बता रहे हैं? लेकिन मैं बाहर के लोगों से ज्यादा हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने वितंडावाद इतना फैला दिया है कि ये परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं। जब कोई भी व्यक्ति हनुमान जी का वेश धर के, एक तो हनुमान जी को आपने वानर से बंदर बना दिया, दूसरी बात जब कोई भी व्यक्ति हनुमान जी का वेश धर कर आता है और वो आपसे भीख मांगना शुरू कर देता है, आप उसे क्यों नहीं डांटते टोकते कि तुम भीख मांगते हो तो और बहुत सारी चीज़ें बहरूपिया बनकर अगर आना भी चाहते हो तो इसमें हनुमान जी का वेश क्यों धरा है, इसमें तुमने माँ दुर्गा या उनकी किसी भी रूप का भेष क्यों धरा है, शिव जी का भेष क्यों धरा है, भीख मांगने के लिए तुम्हें इन भेषों की जरूरत है? आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी भाई। दूसरी बात, ज्यादातर हिंदू क्या करते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं। मैं यहां शब्द बनना लिख रहा हूं क्योंकि उतने हैं नहीं। जब सड़क पर खड़े होकर आप लोग लड़ते हैं तो आपका सोफिस्टिकेशन दिखता है, जब किसी कार्यालय में जाकर आप हिंदी अंग्रेजी करना शुरू करते हैं आपका सोफिस्टिकेशन दिखता है, लेकिन जहां धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात, हम इन चक्रों में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना पड़ेगा आपको, ये संस्कृति आपकी है, इस देश के आप भी नागरिक हैं। और मैं यहां मुसलमान भाइयों से भी कह रहा हूं, सिख भाइयों से भी कह रहा हूं, मैं यहां क्रिश्चियन से भी कह रहा हूं कि सबको मिलकर, अगर सब नागरिक हैं इस देश के, तो सबको मिलकर इस देश को आगे ले जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक समुदाय दुखी होगा तो खुश बाकी तीन भी नहीं रह सकते। विकास अगर एक का नहीं हुआ तो बाकी तीन का भी नहीं हो सकता, ये तो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हिंदू फिल्मों का बायकॉट नहीं करता, आपके हाथ में है साहब, आप किसी को गरीब बना सकते हो, क्यों नहीं बायकॉट करते? अगर कोई आपकी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो जस्टिफिकेशन क्यों दे कि वहां भी तो ऐसा होता था, वहां भी तो ऐसा होता, क्या जरूरत है? और हम जस्टिफिकेशन क्यों सुने? आप उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? पैगंबर साहब पर जब आवाज उठी तो क्या कोई उसे जस्टिफाई कर रहा था? नहीं ना। और हर व्यक्ति ने, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसने कहा भाई ये नहीं होना चाहिए था। मैंने भी खुद टीवी डिबेट्स में अनेक बार कहा किसी धर्म पे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? लेकिन किसी धर्म की जब मैं बात करता हूं तो उस किसी में हिंदू भी तो आ रहे हैं, हिंदू पे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं और उसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और हम उसे सह जाते हैं? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम में से कुछ लोग धमकियां देना शुरू करें, ना। लेकिन हम बॉयकॉट कर सकते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग सरकार को मजबूर कर सकते हैं अरेस्ट करने के। और जब जब हिंदू खड़ा हुआ है और उसने पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, संविधान का सहारा लिया है, तो उसको आश्चर्यजनक सफलताएं मिली हैं। अपने धर्म की रक्षा कैसे की जाती है ये दूसरे धर्म वालों से सीखना चाहिए। बटो मत, जुड़ो, संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखो और अपने धर्म के बारे में गहराई से वो सच जानो जो शास्त्र ने लिखा है। और मैं इसमें बहुत सारे धर्मगुरुओं से भी ये निवेदन करता हूं, सिर्फ उतना बताएं जितना शास्त्र में। इधर उधर की बातें करने से बहुत सारे और लोगों को आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उठाने का, ऐसे नैरेटिव्स बोलने का मौका दे देते हैं जिससे हम बदनाम होते हैं। तो धर्म से वितंडावाद हमें हटाना होगा। आशा करता हूं कि जो NRI मैडम है,
ये इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाएंगे। और आगा खां म्यूजियम तक ने इस पर माफी मांगी है, वो भी माफी मांगेंगे, दंडवत प्रणाम करके माफी मांगेंगे। और जो लोग इधर उधर के नैरेटिव बदोड़ रहे हैं ना, वह भी जरा शांत हो जाए, क्योंकि आपकी कलाई भी अब लोगों की नजर में खुलने लग गई है। अब बहुत दूर नहीं है वो वक्त जब आपके खिलाफ भी लोग बोलेंगे, फिर आप कहेंगे ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग नहीं, वो भी आपकी तरह राइट टू एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब है, आपको पूछने नहीं आना कोई, वो आपको राइट टू एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इफ यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वी टू हैव द सेम राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ्स। If you are putting up a particular narrative, we also are putting up a particular narrative. Maybe it goes against you. अब तो अगर कोई बात है, डेमोक्रेसी से ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, कोई कोर्ट भी नहीं है, कोई जज भी नहीं है। और देखा ना, मजम्मत सबकी होती है। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, किसी धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष मत कीजिए, और हिंदू से विशेष मितंडाबाद पाखंड इन सबसे बाहर आओ, सीधे सीधे अपनी बात समझो, तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है, और उसके बाद फिर अगर कोई चीज तुम्हारे देवी देवता के विरुद्ध है तो बहुत पीसफुल तरीके से, जैसा संविधान का आदेश है उस तरीके से प्रोटेस्ट करो। और कोई बदतमीजी करने की जरूरत भी नहीं, कोई खराब नारे नहीं लगाओ, बट एक्सरसाइज योर पावर, पावर विच हैज बीन रेंडर्ड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राम राम।